हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, या तो जीतेंगे या सीखेंगे। सीमांचल को दरकिनार कर दिया गया है, सीमांचल में अब तक पदयात्रा नहीं हुआ है, कारण क्या है सर? बस इस इलेक्शन के बाद इधर का दौरा उनका होगा, अभी तक वो अररिया पहुंचे हैं, अररिया से फिर इधर का दौरा होगा, बहुत जल्द ही किशनगंज में आने वाले हैं। और हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है उसको वो लोग मान रहा है, और हम समझते हैं कि हम चारों सीट पर जीत हासिल करें। बिहार के हर कोने में आज के डेट में बंद है शराब, लेकिन आज के डेट में बिहार के हर कोने में दारू मिल रहा है, लेकिन आपको राजस्व से नहीं मिल रहा है। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में, मैं हूँ फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और आने वाले 2025 में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि इस विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार तो जीत होगी ही, और साथ ही साथ 2025 में भी हम लोग सरकार बनाएंगे। दरअसल बात यह है कि अभी मेरे साथ जो शख्स मौजूद है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कहते हैं कि सूरज को दिया दिखाने जैसा, हम इसका परिचय क्या करें, हम आपको बस शॉर्ट में बता देते हैं कि ये डॉक्टर विजय कुमार जी हैं जो कि संस्थापक सदस्य जनसुराज के हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीबी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने स्टूडियो में बुलाया है, इसके लिए धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर 4 विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है और आप लोग पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि आप भी प्रचार कर रहे हैं क्योंकि आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आते हैं और आप खुद चुनाव लड़ाते हैं। तो बेलागंज में आप गए विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार करने के लिए, तो क्या माहौल था, क्या देखे आप वहाँ पर जाकर के? क्या देखिए, बेलागंज में हम जहाँ जिस गांव में गए हैं, करीब 15-20 गांव में गए होंगे, वहाँ सारे के सारे लोग जनसुराज के हैं, और वो लोग बिहार बदलाव चाहता है, बाकी सारे पार्टियां जो है उससे लोग उब चुका है, और हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है उसको वो लोग मान रहा है, और हम समझते हैं कि हम चारों सीट पर जीत हासिल करेंगे। तो इस सिद्धांत मतलब कि पार्टी का क्या सिद्धांत है, किस टॉपिक पर मतलब चुनाव? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हाँ, अगर हम हर गाँव में शिक्षा की सुविधा कर देंगे, बच्चे पढ़ने लगेंगे तो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे लोग। स्वास्थ्य की सुविधा कर देंगे तो उस गांव में मरीज को भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, बेहतर शिक्षा, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य मिल जाएगा। और रोजगार की बात जहाँ तक बात है, जो हमारे बच्चे यहाँ से सूरत जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, पलायन करते हैं, अगर हमारे सरकार के खजाने में इतना पैसा है कि अगर वो चाहे तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में एक ऐसा उद्योग लगा देगा जहाँ 10-12-15 हज़ार रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं, और लोग बाहर नहीं जाएंगे, जो अपने घर में माँ बाप का सेवा करेंगे, पत्नी के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, घर परिवार में रहकर के रोजगार। हाँ हाँ। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि सर कि आज़ादी के 77वां साल चल रहा है और ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये बेसिक चीज़ है एक इंसान के लिए, और इस बेसिक चीज़ को लेकर के आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है, आज भी चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को उछाला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी तक इस पर काम नहीं हो पाया है। लेकिन जो पार्टियां अब तक सत्ता में राज करते आई है, बिहार में हो या फिर देश में हो, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्यों आखिर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पर काम नहीं हो पाया है 77 साल बाद भी? देखिए, लोगों का जितनी पार्टियाँ अब तक रही वो बिहार की जनता को मजबूर करके रखा, ने पढ़ाया लिखाया नहीं, पढ़ जाएगा तो फिर कैसे भाव देगा पार्टी को, कैसे जानेगा कि हाँ ये फलना बाबू है, फलना पार्टी है, फलना पार्टी है। स्वास्थ्य सुविधा दे देगा तो फिर जरूरत क्या रहेगी उनकी, रोजगार दे देगा तो फिर कैसे बिहार में वो लोग राज करेगा। तो ये एक तौर पर कहा जाए तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिक्स है, सब राजनीति के तहत ही वोट के खातिर ऐसा किया जा रहा है, सब वोट के कारण किया जा रहा है, जो हमारी पार्टी नहीं करेगी। हमारी पार्टी का है ये कि शिक्षा इतना कर दो कि बच्चा पढ़ लिख जाए तो खुद वो समझदारी हो जाएगी कि हमको क्या करना है, नहीं करना है, वो कुछ ना कुछ अपना काम करके कमा लेगा। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा दे दो और रोजगार लगा दो, क्यों जाएगा बिहार से बच्चा? सर एक चीज़ और, आपके पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर 2025 विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार आती है तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे, खोल देंगे पूरे 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 बिहार में। तो सर अभी पूरे बिहार में शराबबंदी लागू है और आप लोग खोलने की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग कहाँ, कैसे, क्या बिहार के लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को? देखिए, बिहार के हर कोने में आज के डेट में बंद है शराब, लेकिन आज के डेट में बिहार के हर कोने में दारू मिल रहा है, लेकिन आपको राजस्व से नहीं मिल रहा है, पड़ोसी राज्य को राजस्व सारा मिल जा रहा है। जब दारू पूरा बिहार के हर कोना मिल ही रहा है तो राजस्व क्यों बर्बाद करें?
क्यों नहीं हम राजस्व को भी अपने हाथ में लें। तो इसीलिए हमारी पार्टी का कहना है कि हम एक घंटे में जो बंद है वो खोल देंगे, वो खोल देंगे। ये भी सही बात है क्योंकि पूरे बिहार में शराबबंदी तो है, सिर्फ नाम की है, और हर जगह शराब मिल रहे हैं। पीने वालों की कम उसको शराब की कमी नहीं होती है, और पिलाने वालों की भी शराबे की कमी नहीं होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और बाकी अगला आप सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जो अभी चुनाव चल रहे हैं विधानसभा 4 सीटों पर, उसमें से कितनी सीट जीतने की संभावना है? देखिए, हम तो जानते हैं कि हम 4 सीट निकाल रहे हैं, चारों सीट निकाल रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस, चारों सीट हम निकाल रहे हैं, और 2025 में भी हमारी सरकार बनेगी। तो एक चीज़ यहाँ पर हम ये चीज़ जानना चाहेंगे सर, क्योंकि बिहार जातियों का घर रहा है, जाति पर ही राजनीति होती है, और आप लोग आए हैं बिल्कुल हट के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जाति को बिल्कुल साइड कर दिए हैं, और जो भी बात बोल रहे हैं सब विकास पर फोकस कर रहे हैं। तो लोग विकास पर इतना दिन राजनीति, पूरे बिहार में राजनीति हो रहा है, कई बार कई लोग सत्ता में आए गए और सभी जाति पर ही राजनीति की और जाति पर ही जीतते आए हैं, तो आप लोग जाति से हटकर के ये कर रहे, राजनीति कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसमें कितनी कामयाबी मिल सकती है? देखिए, आज के डेट में आज का जो जनरेशन है ना, वो बदलाव चाह रही है, बदलाव ऐसा कि बिहार, वो लोग भी चाहता है कि बिहार का एक अग्रणी क्षेत्र में जाए जहाँ बिहार को लोग हेयर दृष्टि से नहीं देखें। तो आने वाले कल में हम जानते हैं कि ये सब खत्म हो जाएगा, जात पात हिंदू मुस्लिम जो है, जो आज के इतनी पार्टियां हैं बना के रखी हैं, वो धीरे धीरे आज के जनरेशन वाले लोग जो समझ रहे हैं बात को, प्रशांत जी के बात को समझ रहे हैं और उसको देख रहे हैं, वो आज आने वाले कल सारे के सारे लोग प्रशांत जी के साथ होंगे। तो आज तक आखिर जातियों पर राजनीति बंद क्यों नहीं हो रही है? और लोग भी वोट कर रहे हैं तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जातियों पर ही वोट करते हैं, क्योंकि उसका अगर कोई कैंडिडेट है अपने जाति का तो उसको ही वोट करेंगे, या फिर उसका पार्टी अगर जाति से आती है तो उसको ही वोट करेंगे। तो इसका नहीं निकलने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, अंग्रेज सिखा के गए फूट करो राज करो, वो आज तक चल रहा है, ठीक है। अगर वो फूट नहीं डालेंगे तो राज नहीं कर पाएंगे। जितनी पार्टियाँ आज तक रही वो लोग अपने जनता को, बिहार की जनता को बरगला के रखा कि तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो, तुम जमात दुसाद हो, तुम पासवान हो, सबको बांट के रखा ताकि तुम आपस में लड़ते रहो, हम राज करें। सर देखिए, अभी तो उपचुनाव चल रहा है और प्रसाद किशोर जी पार्टी बनाने से पहले पूरे बिहार में पदयात्रा की है और सीमांचल को दरकिनार कर दिया गया है, सीमांचल में अब तक पदयात्रा नहीं हुआ है, कारण क्या है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये एक ऐसे मतलब शख्स हैं जो पैदल चल के हर गांव को, कल लगभग हम समझते हैं कि 5,000 गाँव घूम चुके होंगे, बस इस इलेक्शन के बाद इधर का दौरा उनका होगा। अभी तक वो अररिया पहुँचे हैं, अररिया से फिर इधर का दौरा होगा, बहुत जल्द ही किशनगंज में आने वाले हैं, अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये लोग महागठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, ये लोग एनडीए गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ये वाला किस्सा तो नहीं हो जाएगा कि बाघ और बकरी वाला, क्योंकि वो लोग इकट्ठा बहुत सारे हैं? देखिए, ये और आप लोग अकेले, ये आने वाला समय बताएगा। और प्रशांत जी में इतना मतलब दम है कि 243 सीट पर लड़ेंगे और जीतेंगे, 243 सीट पर लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ, अच्छा, चल एक लास्ट सवाल, आखिरी सवाल कर लेते हैं। अगर 2000 अभी जो चुनाव चल रहा है उपचुनाव, इस चुनाव में एक भी सीट जन स्वराज नहीं जीत पाती है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? उसी तरीके से डट करके पैदल यात्रा होगी, चुनाव प्रचार, चुनाव की तैयारी होगी 2025 की, या फिर ढीला ढाला पड़ जाएगा? देखिए, 2 तारीख जो हम लोग का पार्टी का आगाज हुआ था, उसमें प्रशांत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, या तो जीतेंगे या सीखेंगे, और पैदल यात्रा की बात जहाँ तक है वो जारी रहेगा। प्रशांत किशोर इतना पदयात्रा कर रहे हैं और बाकी जनसुराज पार्टी को कहाँ से, वहाँ से जीरो से यहाँ तक लाया है, और 2025 में अगर चुनाव अगर जीत भी जाते हैं जनसुराज, तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 2025 चुनाव जीतते हैं तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इससे प्रशांत किशोर को क्या लाभ है? देखिए, प्रशांत किशोर जी का मनसा चीफ मिनिस्टर बनने का नहीं है या प्राइम मिनिस्टर बनने का नहीं है, वो बिहार में जन्मे पले बढ़े हैं, वो बिहार को बदलना चाहते हैं, वो किंग मेकर हैं, किंग मेकर कभी राजा नहीं बनता। आपने देखा होगा कि बहुत सी पार्टियां को उन्होंने जितवाया है, किंग बनाया है,
बस इस पार्टी के वो रणनीतिकार हैं और किंग मेकर हैं। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि सीमांचल पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका है और यहाँ पर सभी पार्टियों ने लगभग राज किया है, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, लेकिन फिर भी सबसे पिछड़ा है, चाहे आर्थिक मामले पर हो या फिर सामाजिक मामले पर हो या फिर शिक्षा के मामले पर हो, लेकिन आज भी यहाँ पर एक बीएड कॉलेज नहीं है। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो दुर्भाग्य है किशनगंज का कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ राज किया है और एक बीएड कॉलेज नहीं बना पाया, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अगर हमारी पार्टी आई तो यहाँ शिक्षा का जितना भी है, चाहे बीएड हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे जो भी जो नीड है वो हम पूरा करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, केडीवी लाइव से बात करने के लिए, और इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मेरा नाम है फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव, मेरे सहयोगी हैं नियाज अहमद। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आप इसके बारे में राय व्यक्त कर सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि सबका राय अलग अलग हो सकता है। आप भी अपना राय कमेंट कीजिए, जो भी आपका दिमाग में चल रहा हो इस इंटरव्यू देखने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।